अगर आप सिक्स सीटर के अंदर में कोई एमपीवी गाड़ी लेना चाहते हैं ना और सीएनजी के अंदर में लेना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए एक ही ऑप्शन रहता है जो कि है एक्सएल सिक्स सीएनजी। वैसे आती अर्टिगा भी है पर जो वो गाड़ी फील देती है ना थोड़ी सी टैक्सी वाली देती है और वो आप लोग को सेवन सीटर के अंदर मिलेगी। एक्सएल सिक्स में क्या है सिर्फ और सिर्फ आप लोग को सिक्स सीटर के अंदर में मिलेगी। अगर आप एक्सएल सिक्स के अंदर में सीएनजी लेना चाहते हैं ना तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरियंट के अंदर में आती है जेटा वेरियंट के अंदर में जो कि गुड़गांव हरियाणा में 14.5 लाख रुपये ये कॉस्ट करता है। अगर जैसे आप इसका प्राइस देखोगे ना नॉर्मल से अगर आप विदाउट सीएनजी से सीएनजी का प्राइस देखोगे तो 1 लाख रुपये जो है ये गाड़ी आप लोगों की यहाँ पे महंगी बैठती है। वहीं अगर आप जैसे टॉप एंड वेरिएंट का देखोगे प्राइस, टॉप एंड में खैर सीएनजी नहीं आती है, अगर जेटा सीएनजी से अल्फा को कंपेयर करोगे तो बिल्कुल सेम प्राइस में आप लोग को यहाँ पे मिल जाती है। तो एक ये कन्फ्यूजन भी लोगों को बन जाती है कि अल्फा पेट्रोल के अंदर मिले या फिर जेटा सीएनजी के अंदर मिले। बस सीएनजी उन लोगों के लिए फ़ायदा रहता है जिनकी थोड़ी सी रनिंग आप लोग को ज़्यादा मिल जाती है क्योंकि माइलेज जो है आप लोग को इतनी बड़ी गाड़ी होने के बाद में 6 जने बैठाने के बाद में सीएनजी के अंदर में आप लोग को 25 प्लस की ये गाड़ी आप लोग को माइलेज निकाल के दे देती है। और अभी इस एक्सएल सिक्स के ऊपर में आप लोग को बेनिफिट मिल रहे हैं 15,000 से 20,000 रुपये का जो है इस गाड़ी के ऊपर में आप लोग को डिस्काउंट मिल जाएगा। आज की वीडियो में दिखाऊंगा कि जेटा वेरियंट के अंदर में आप लोग को कौन कौन से फीचर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। गाड़ी की ना बिल्कुल टॉप एंड वेरियंट जैसी आप लोग को यहाँ पे मिलती है, लॉक अनलॉक का यहाँ पे स्विच मिलता है और बैक से क्या है ये आप लोग को ब्लैक कलर की यहाँ पे मिलती है। गाड़ी को लॉक करने पर वही एक बार आवाज करेगी और अनलॉक करने पर गाड़ी जाहिर सी बात दो बार आवाज करने वाली है। और जो इस वाले वेरिएंट के अंदर में जो गाड़ी के ORVMs हैं लॉक या फिर अनलॉक करने पर ये फोल्ड या फिर अनफोल्ड यहाँ पे नहीं होते हैं। और इस वाले वेरिएंट के अंदर में कोई आप लोग को आगे की तरफ में कैमरा भी नहीं मिलता है। वैसे इस गाड़ी की जो हेडलाइट यहाँ पे दी गई है ना वो आप लोग को LED के साथ में मिल जाती है और इंडिकेटर हेलोजन वाल्व के साथ में यहाँ पे DRLs भी जो है गाड़ी के अंदर मिल जाएंगे। और जो गाड़ी की फॉग लाइट है वो भी आप लोग को यहाँ पे LED के साथ में मिल जाती है। मैंने ना इसकी XL7 भी बना रखी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी मैं आप लोग को दे देता हूँ। जो ये गाड़ी के ORVMs है ना ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और रिट्रैक्टेबल दोनों फंक्शन के साथ में यहाँ पे मिल जाएंगे। क्रोम डोर हैंडल्स भी जो है इस गाड़ी के अंदर में आ जाते हैं ड्राइवर साइड, पैसेंजर साइड और इसकी बूट में, तीनों जगह ही क्या है आप लोग को रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा गाड़ी को लॉक एंड अनलॉक करने के लिए। भाई मारुति सुजुकी ना इस चीज़ के अंदर में तो बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करती है, हर जगह पे पूरे भर भर के आप लोग को रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है गाड़ी को लॉक एंड अनलॉक करने के लिए। यहाँ पर कोई आप लोग को टिंटेड ग्लास नहीं मिलेंगे पर जो इसका टॉप एंड वेरिएंट आता है वहाँ पे क्या आप लोग को टिंटेड ग्लास भी मिल जाएंगे। गाड़ी की रूफ रेल्स क्या है यहाँ पे मेटल की मिल जाती है तो इनके ऊपर में अगर आप अपना कैरियर भी इंस्टॉल कराना चाहते हो तो बिल्कुल ईजिली यहाँ पे हो जाएगा और इनको कोई डैमेज वगैरह भी नहीं आएगा। शार्क फिन का एंटेना भी जो है गाड़ी के अंदर मिल जाएगा। सीएनजी होने के बाद में ऐसे कुछ भी नहीं होगा कि गाड़ी के अंदर में जो पेट्रोल की टैंक की कैपेसिटी है वो कम हो गई हो, बिल्कुल सेम ही मिलती है। 45 लीटर की गाड़ी के अंदर में पेट्रोल की टैंक की कैपेसिटी यहाँ पे आ जाती है। और साइड में देखोगे ना बिल्कुल टॉप एंड वेरियंट की तरह ही नीचे की तरफ में पूरा सिल्वर फिनिश का यूज़ भी यहाँ पे मिल जाएगा। सिर्फ फ्रंट हिड जो है गाड़ी के अंदर में डिस्क ब्रेक आता है, रियर जो है गाड़ी के अंदर में ड्रम ब्रेक ही आप लोग को यहाँ पे मिलता है। 195/60R16 इंच का जो है गाड़ी के अंदर में टायर सेक्शन दिया गया है और डायमंड कट अलॉय व्हील्स भी जो है इस गाड़ी के अंदर मिल जाएंगे। एक्सएल सिक्स के अंदर ना कंपनी ने कोई ज़्यादा वेरिएंट्स नहीं निकाल रखे हैं, सिर्फ जेटा और अल्फा दो ही वेरिएंट्स के अंदर में आप लोगों को ये गाड़ी मिलती है। बैक में डिफॉगर, वाइपर, हाई ऑन स्टॉप लैंप ये चीज़ें आप लोग को मिल जाएगी बट जो स्पॉइलर है वो आप लोग को यहाँ पर नहीं मिलेगा। LED टेल लाइट्स भी जो है गाड़ी के अंदर में आ जाती हैं और जो कैमरा है वो आप लोग को इस वाले वेरियंट के अंदर में यहाँ पर नहीं मिलता है। और नीचे की तरफ में देखोगे तो आप लोग को 4 पार्किंग सेंसर्स जो है इस गाड़ी के अंदर मिल जाएंगे। मारुति सुजुकी ना एक ये भी चीज ठीक है कि कंपनी पार्किंग सेंसर के अंदर में कोई भी कटौती नहीं करती। आप सफारी देख लो इतनी बड़ी गाड़ी है, वहां पे जो पार्किंग सेंसर दिए गए ना सिर्फ और सिर्फ दो ही आप लोगों को मिलते हैं। टेलगेट को ओपन करने के लिए भाई यहीं पे ही हैंडल दिया गया है, अरे मैं पॉकेट के अंदर आ डाल रहा था, यहीं से अनलॉक कर लूंगा। तो ये चीज़ भी भाई गाड़ी के अंदर में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ दे रखी है। 209 लीटर का गाड़ी के अंदर में बूट स्पेस आप लोग को मिल जाता है अगर मान लो ही सीएनजी का टैंक नहीं लगा हुआ है। अब सीएनजी का टैंक लगने के बाद में जो बूट स्पेस है हाँ थोड़ा सा कम तो हो चुका है पर ऐसा भी नहीं हुआ है कि बहुत ज़्यादा कम से हो गए, थोड़ा बहुत सामान क्या है आप इसके ऊपर में भी ईजिली कैरी कर सकते हो। और ये भी चीज़ भाई काफ़ी सही है कि इसके ऊपर में प्रॉपरली कवरिंग कर रखी है और जो कि मेटल की केज सी भी यहाँ पर बना रखी है तो आप अपना कुछ हैवी सामान भी इसके ऊपर में रखोगे तो कोई भी दिक्कत है यहाँ पर नहीं होने वाली है। 60 लीटर का सिलेंडर जो है इस गाड़ी के अंदर में यहाँ पे फिट किया हुआ है तो वही आप लोग की 7 से 9 किलो तक की सीएनजी इसके अंदर में इजीली यहाँ पे आ जाएगी। और एक और चीज़ है सीएनजी टैंक आने से ऐसा भी नहीं हुआ है कि गाड़ी की जो रेक्लाइनिंग एंगल है वो यहाँ पे कम हो गया हो, जैसे अपनी नॉर्मल पेट्रोल आती है ना उसके अंदर में बिल्कुल सेम ही आप लोग को यहाँ पे रेक्लाइनिंग एंगल मिल जाएगा गाड़ी की थर्ड रो के अंदर में। अब दिखाता हूँ भाई गाड़ी के इंटीरियर्स में आप लोग को यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल जाती है।
यहाँ पे भाई इसके अंदर में इतना पार्ट जो है ये आप लोग को लेदर के अंदर में दिया गया है, बाकी चारों पावर विंडो के जो है स्विचेस मिल जाएंगे, ऑटो डाउन और ऑटो अप के साथ में आप लोगों को ड्राइवर साइड विंडो भी मिल जाती है, और स्पीकर्स भी जो है आप लोग को यहाँ पे मिल जाते हैं, बट वही है वो डिसेंट से ही आप लोग को यहाँ पे मिलेंगे। डैड पेडल भी जो है इस गाड़ी के अंदर में आ जाएगा। लेदर की सीट अपहोल्स्ट्री यहाँ पे नहीं आएगी, लेदर की आती है इसमें टॉप एंड वेरियंट में। यहाँ पे सेमी लेदर की आप लोग को सीट अपहोल्स्ट्री मिलेगी, बीच में फैब्रिक है, साइडों में लेदर है, और एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है इस गाड़ी के अंदर में यहाँ पे मिल जाएंगे। हाइट एडजस्टेबल सीट भी जो है इस गाड़ी के अंदर में आप लोगों को मिल जाएगी। इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच यहाँ पे है, फ्यूल चेंज के लिए, ट्रैक्शन कंट्रोल का, लाइट लेवलिंग के लिए जो है गाड़ी के अंदर में कंट्रोल मिल जाएगा, और सीएनजी आने के बाद में गाड़ी के अंदर में अभी तक में देखो भाई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिला है, पर क्या पता आने वाले टाइम में आप लोग को ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल जाए। जो गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है वो आप लोग को यहाँ पे फ्लैट बॉटम मिल जाता है, बट ये ना लेदर रैप वाला स्टीयरिंग व्हील आप लोग को नहीं मिलता है। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल आप लोग को मिल जाएगा, और इसके म्यूजिक सिस्टम के लिए कंट्रोल्स भी आप लोग को मिल जाएंगे। ऑटो हेडलैम्प्स जो है गाड़ी के अंदर नहीं आती है, और ना ही गाड़ी के अंदर में कोई आप लोग को ऑटो वाइपर मिलते हैं। टैकोमीटर स्पीडोमीटर दोनों चीज़ें ही यहाँ पे एनालॉग के अंदर में दी गई हैं, और इसके अंदर इन्फॉर्मेशन चेंज करने जाते हो तो इनसे क्या है आप लोग की इन्फॉर्मेशन चेंज होती है। ट्रिप ए ट्रिप भी अब दूसरे वाले से करते हैं। अरे उज्जा यार, ये आपकी सीएनजी के लिए दिखा रहा है, मतलब सीएनजी का एक गेज तो यहाँ पे दे रखा है एनालॉग के अंदर में, और डिजिटल के अंदर में भी क्या है आप लोग को यहाँ पे सीएनजी का गेज मिल जाएगा। ये आपका ड्राइविंग टाइम, ये टाइम, ये मोशन, ये पावर टॉर्क, ये एक्सीलरेशन ब्रेकिंग, ये टोटल सीएनजी मोड टाइम, बस ये इन्फॉर्मेशन जो है इस गाड़ी के अंदर में यहाँ पे शो करता है। भाई आपको लोग को टच स्क्रीन डिस्प्ले भी यहाँ पे मिल जाएगी, जो कि आपके एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी के साथ में आ जाती है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी जो है इस गाड़ी के अंदर में यहाँ पे मिल जाएगा। नीचे की तरफ में USB 12 वोल्ट का शॉक किट, और यहाँ पे जैसे आपने ग्लास रखोगे ना तो इनको क्या ठंडा भी रख सकते हैं, जो कि यहाँ से एयर फ्लो को आप कंट्रोल कर सकते हैं। आर्मरेस्ट भी आप लोग को मिल जाता है, जो कि स्लाइडिंग आर्मरेस्ट आते हैं। स्पेसिंग क्या इसके अंदर में थोड़ी सी मिलती है, और IRBM ऑटो डे नाइट दिए गए हैं। रीडिंग यहाँ पे क्या आप लोग को रीडिंग लैंप मिल जाएगी, जो कि हेलोजन बल्ब के साथ में। सनग्लास होल्डर भी यहाँ पे दिया गया है। पैसेंजर साइड सनवाइजर में मिरर है, और ड्राइवर साइड सनवाइजर में क्या है आप लोग को यहाँ पे टिकट होल्डर मिल जाएगा। विजिबिलिटी वाइज बात करें तो सीट अगर देखता हूँ भाई, सीट अभी पूरी ऊपर नहीं है भाई इस गाड़ी के बारे में, ये भी अच्छा है। सीट कितनी ऊपर कर लो आपका सर ना बिल्कुल भी टच नहीं होगा, क्योंकि भाई जो स्पेस है ना अब देखो हेडरूम में अच्छा तगड़ा सा जो है यहाँ पे स्पेस बच जाता है, और सीट पूरी ऊपर करने के बाद में अच्छी कमांडिंग वाली पोजीशन जो है इस गाड़ी के अंदर में से आ जाती है। मतलब किसी की बड़ी फैमिली है ना तो वो इस गाड़ी को अगर मतलब यूँ है देखो, एक बजट फ्रेंडली वाली चीज़ है ये, बड़ी फैमिली है तो इस गाड़ी को वो आराम से ले सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और सीटों में जैसे आप कंफर्ट देखोगे ना, सीटों की चौड़ाई भाई अच्छी ज़्यादा सी यहाँ पे मिल जाती है, कंफर्ट भी है आप लोग गाड़ी के अंदर में ठीक लगेगा। प्राइस से मतलब चीज़ बिल्कुल सेटिस्फाई करती है ये, और सिक्स सीटर है। डोर तो भाई इसका अच्छा बड़ा सा यहाँ पे ओपन होता है, क्योंकि इसके पीछे जाने के लिए क्या है आप सेंटर में से भी जा सकते हो, और जो ये वाली सीटें ये आगे भी हो जाती हैं, फिर यहाँ से भी निकल के इसके अंदर में पीछे जाया जा सकता है। और सेंटर में क्या है देखो, अब कंफर्ट में देखो आर्मरेस्ट भी यहाँ सेंटर के अंदर में दिए गए हैं, ऊपर की तरफ में एयर के वेंट्स भी दिए गए हैं सेपरेट कोइल के साथ में, यानी कि आगे की हवा बेशक मंदी हो पीछे की हवा को आप सीधा तेज कर सकते हो, सीधी मुंह पे ही जो है ये हवा मारेगी। और पीछे की तरफ में एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, पीछे से कुछ ऐसा लगता है इस गाड़ी का इंटीरियर्स देखने में। अब चलता हूँ भाई गाड़ी की थर्ड रो के अंदर में। थर्ड रो में जाने के लिए भाई मैं तो सेंटर में से निकल जाऊँगा, और क्या भाई मैं निकल गया तो यार आप भी निकल ही जाओगे इसके थर्ड रो में जाने के लिए। देखो जो ये वाली सीट है ना, ये आगे पीछे और जो इनका रेक्लाइनिंग है इनका एडजस्ट हो जाता है, तो ये आगे करने के बाद में है पीछे भी दो जने आराम से बैठ के जा सकते हैं, उनको कोई भी दिक्कतें यहाँ पे नहीं होने वाली है। इस गाड़ी के अंदर में लगा हुआ है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर वाला इंजन, जो कि 87 bhp 115 Nm का टॉर्क आप लोग को निकाल के देता है। रिफाइनमेंट के मामले में भाई मारुति सुजुकी की गाड़ियों की तरफ में देखने की कोई जरूरत नहीं, काफ़ी ज़्यादा रिफाइन जो है यहाँ पे आप लोग को इनके इंजन मिल जाएंगे, और जो माइलेज है वो भी आप लोग को 25 प्लस ये गाड़ी हाईवेज के ऊपर में ईजिली निकाल के दे देगी। तो भाई ठीक है, ये सब कुछ था आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद आने पर लाइक कर देना। जय श्री राम, जय बजरंग बली।